नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ आयुषी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बीजेपी की सदस्यता अभियान के दौरान जनसंघ कार्यकर्ताओं के पैर धोए। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने ट्वीट कर बताया कि विजयवाड़ा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंघ के सीनियर कार्यकर्ता निवास राव के पैर धोए। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने निवास राव से अपील की कि वो राष्ट्र की प्रगति और बीजेपी की सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी ज्वाइन कर ले। बीजेपी सदस्यता अभियान के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। उनके आह्वान पर हर देशवासी उनके साथ देश को बनाने के लिए उनके पीछे खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया तो समर्थ लोगों ने गैस सिलेंडर को की सब्सिडी छोड़ दी, जिससे करोड़ों बहनों को चूल्हा मिल गया। तो वहीं उन्होंने स्वच्छता के लिए अपील की तो सभी अपने शहर को स्वच्छ बनाने में जुट गए हैं। अब उन्होंने जल बचाने का आह्वान किया है। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में विजय मशाल को प्रज्वलित किया। ये मशाल 11 शहरों से होते हुए द्रास तक जाएगी। ये मशाल कारगिल के वीरों की याद में इंडिया गेट के वॉर मेमोरियल से द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल तक जाएगी, जहां पर वीरों की गौरव गाथा लिखी गई है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कारगिल के उन वीरों को याद किया जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। इस दौरान सेना प्रमुख विपिन रावत भी मौजूद है। विजय मशाल में कारगिल युद्ध में भाग ले चुके पूर्व सैनिक और एनसीसी कैडेट और छात्र भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने पाकिस्तान से लड़ते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। तो वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पणजी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की एक संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए, जहां श्री जावड़ेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इस साल IFFI में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जूरी की अध्यक्षता ऑस्कर अकेडमी के अध्यक्ष जॉन बेली करेंगे। उन्होंने बताया कि रूस इस संस्करण में एक भागीदार होगा, साथ ही जनता तक पहुंचने के लिए निजी थिएटरों में रस्सी बांधने की योजना है। तो वही कोटा में कोटडी गुमानपुर रोड पर फूड लाइसेंस की आड़ में एक संचालित हो रहे हुक्का बार और बियर बार पर छापा मारा गया। CMHO खाद्य सुरक्षा विभाग और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई से बार संचालक और नशे में धुत युवक युवतियों में हड़कंप मच गया। तो वही 7 बार संचालन के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज की बहुत शानदार कार्रवाई रही। सरकार ने जो हमें आदेश दिए थे चिकित्सा विभाग को, हमने कोटपा के तहत रेस्टोरेंट्स पे हुक्का बार यूज नहीं करें, ये हम सबको चेता चुके हैं और सबको आगाह भी कर चुके हैं कि जिनके पास फूड लाइसेंस है वो हुक्का बार यहाँ यूज नहीं करें। यदि आपके पास अलग से कोई जगह है तो उसका उपयोग भी इस बाबत नहीं करें। आंगन में जमीन विवाद को लेकर भतीजे पर चाचा को जीप से कुचलने का आरोप लगा है। घटना मेवाड़िया रोड की बताई जा रही है, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। तो वही घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी दोनों पक्षों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुमारहट्टी नाहन मार्ग पर एक बहुमंजिला इमारत गिर गई। बिल्डिंग के नीचे सेना के करीब 35 जवान मौजूद थे, जिनमें से 17 को बचा लिया गया है। सोलन के SDM विवेक चंदेल ने बताया कि इस हादसे में अब तक 7 मौतें हो चुकी है। मृतकों में सेना के 6 जवानों के साथ एक आम नागरिक भी शामिल है। अभी कई जवान मलबे में फंसे हुए हैं। तो वहीं सोलन के उपायुक्त KC चमन का कहना है कि इमारत कैसे गिरी ये जांच का विषय है। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग 2009 में बनाई गई थी। पिछले दिनों एक मंजिल और बढ़ाई गई थी, जिसके बाद मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है। 7 घायलों को नजदीकी अस्पताल धर्मपुर लाया गया है, जहां उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में ढाबा चल रहा था, जहां 34 जवान खाना खाने के लिए रुके थे। घायल जवान सुरजीत ने बताया कि वो ढाबा में खाना खा रहे थे तो अचानक धरती हिली और एकदम से पूरी इमारत गिर गई।
ये कार्य रेस्क्यू का चलता रहा, हम यहाँ पे रहे थ्रू नाइट और अभी तक जो बॉडी रिट्रीव ये कि 6 आर्मी जवान की बॉडियाँ रिट्रीव हुई है, 6 कैजुअलिटी है आर्मी की, 1 सिविल की है। अभी 7 जो अनट्रैप्ड है उनको, उनमें से एक अभी बॉडी शायद दिखी है, उनको रिट्रीव किया जा रहा है और संभावना है कि शायद 7 में से कोई लोग हमें अनकॉन्शियस या ये है उम्मीद करते कुछ जिंदा मिले। और बाकी जो टोटल सिनेरियो है 30 जवान थे जिसमें से कि कल 17 को रेस्क्यू कर दिया गया था। लगातार प्रयास है हमारे कि जब तक पूरी बिल्डिंग को नीचे तक हटाया नहीं गया तब तक हमें एक ये पता लगेगा कि एक्चुअली कितने आदमी इसमें एंट्रैप्ड है। बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है सोलन जिला के अंतर्गत कुमारहट्टी के पास। एक बिल्डिंग थी, 3 मंजिला बिल्डिंग बताई जा रही है और उसमें जो एक रेस्टोरेंट जैसा, एक ढाबा जैसा उसमें चलता था जो सड़क की लेवल पर था, और उस ढाबे में इस वक्त जो है वो लगभग बताए जा रहे हैं कि लगभग 37 लोग थे उसमें, 30 आर्मी के और 7 सिविलियन, ये जो जानकारी मिली है। और वो भवन जो है वो ध्वस्त हो गया, मालूम पड़ा कि उसकी फाउंडेशन ही निकल गई नीचे से और उसके कारण वो टूट गया, गिर गया। और इसमें सभी लोग जो है वो फंसे हुए थे और उसमें से अभी तक जो है जो जानकारी मिली है 23 लोगों की को हम रेस्क्यू कर पाए हैं, लेकिन 2 लोग जो है उनको हम सुरक्षित रेस्क्यू नहीं कर पाए, 2 लोगों की उसमें मृत्यु हुई, 1 सिविलियन है और 1 आर्मी का जवान है और बाकी 23 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफल हुए हैं। इसमें आपसी कलह और नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर राजनीति शुरू हो गई है। आप नेता हरपाल सिंह चीमा ने निशाना साधते हुए कहा कि मैं बड़ा के चक्कर में आम जनता पिस रही है, इसे किसी का नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ जनता है। ऐसे देखिए, 10 जून को रेजिग्नेशन टेंडर किया अपना राहुल गांधी के सामने, वो उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे। मैं समझता हूँ नवजोत सिद्धू को उस दिन लोगों को बता देना चाहिए था कि मैं ये महकमा नहीं संभालने वाला। लगभग इतने दिन लोगों को ऐसे रखा और लोगों को उम्मीद थी कि वो ज्वाइन करेंगे और लोगों का कुछ अच्छा काम करेंगे। जैसे पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिजली के रेट हैं, पूरे देश में कहीं भी इतने रेट नहीं हैं जितने यहाँ, जो सूबे जो स्टेट्स बिजली परचेज करते हैं उनके भी कहाँ 1-2 रुपये पर यूनिट मिलता है, पर लेकिन पंजाब प्रोड्यूस करता है, पंजाब बिजली पैदा करता है, यहाँ तो 10-12 रुपये यूनिट है। सो पहले तो सबसे पहले सिद्धू साहब को ये महकमा संभालना चाहिए थे, ये उनका चार्ज लेना चाहिए, पर लेकिन उन्होंने चार्ज नहीं लिया और ये उनकी पावर की लड़ाई थी कैप्टन साहब के साथ, उनकी जो एक दूसरे से पावर मैं बड़ा हूँ उसकी लड़ाई थी। उस लड़ाई में पंजाब के लोगों ने बहुत सफ़र किया और ख़ासतौर पर बिजली सेक्टर ने बहुत सफ़र किया, ख़ासतौर के जो पंजाब का हर एक वर्ग है जिनको आज थी कि कम से कम उन एग्रीमेंटों से जो अकाली दल बीजेपी ने किए थे, जिन एग्रीमेंटों के कारण पंजाब के लोगों को हर एक वर्ष लगभग 250 करोड़ रुपए देना पड़ता था, उससे छुटकारा नवजोत सिंह से दिला सकते थे, पर लेकिन बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि उन्होंने वो महकमा नहीं संभाला और पंजाब के लोग फिर उन लुटेरों के हाथ में चले गए जो ऑलरेडी लूट रहे हैं, जो बिजली माफिया है, जो इलेक्ट्रिसिटी माफिया है पंजाब में, वो उनके हाथ मैं समझता हूँ आज और मजबूत। तो वहीं लगातार नेपाल में हो रही बारिश से बिहार में के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। सीतामढ़ी, मोतिहारी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और पूर्णिया की स्थिति सबसे खराब है। कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं, जहां कोसी बराज के ऊपर लाल बत्ती जलाई गई है। अभियंताओं की टीम कोसी बराज पर कैंप कर रही है। तो वहीं विभिन्न जिलों में बाढ़ में डूबने के कारण अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को गंडक बराज से 2.1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। तो वहीं बाढ़ के कारण कई प्रखंडों सहित दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। तो वहीं ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण जोरहाट प्रशासन ने निमाती घाट से माजुली की नाव सेवा लगभग 1 सप्ताह
किली बंद कर दी है, जिस कारण आम जनता को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पूर्वोत्तर में हो रही लगातार बारिश के कारण हर तरफ बाढ़ का प्रकोप है। सभी तरफ बाढ़ की मार से आम जनता, पशु पक्षी आदि सभी परेशान है। जोरहाट के नेमाती घाट पर ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। तो वही पिछले कुछ दिनों में लगातार जारी बारिश के स्तर ने अगरतला के साथ साथ राज्य के अन्य हिस्सों में घरों और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी सरकारी अधिकारियों से उच्च अलर्ट पर रहने की अपील की है, जबकि डीएम पश्चिम डॉक्टर संदीप महतमे ने सभी लोगों से पुलिस, सामान्य प्रशासन और एनडीआरएफ प्राधिकरण से संपर्क करने की अपील की है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पीजीआई थाना क्षेत्र में अंसल गोल्फ सिटी के पीछे बने अपार्टमेंट की नवी मंजिल से जेट स्पाइस के पायलट की पत्नी नेहा की रहस्यमय हालत से गिरने से मौत हो गई, जहां इस घटना से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोग हत्या का आरोप लगा रहे थे तो वहीं कुछ लोग इसे खुदकुशी बता रहे हैं। मृतका नेहा मूल रूप से पिथौरागढ़ उत्तराखंड की रहने वाली थी। इसी साल 30 मई को उसकी शादी प्रतापगढ़ निवासी पायलट अरविंद सिंह से हुई थी। तो वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। राजस्थान के दौसा जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां पुरुष और महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। जहां प्रतियोगिता में 49 किलोग्राम वेट में हरिओम पहले स्थान पर रहे, तो वहीं प्रदीप सिंह माल दूसरे और प्रवीण कुमार तीसरे स्थान पर रहे। तो वहीं महिला वर्ग में 74 किलोग्राम भार में हिमांशी गुर्जर पहले और किरण गुर्जर दूसरे स्थान पर रही। बिहार के पटना में अधिकारों की मांग को लेकर पहली बार देश के समलैंगिक और ट्रांसजेंडर सड़कों पर उतरे हैं और अपने सामाजिक अधिकार की लड़ाई की आवाज को बुलंद भी किया। तो वहीं इस दौरान स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संगठनों ने भी उनके अधिकारों का समर्थन किया है। राजस्थान के जोधपुर मारवाड़ हज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हज यात्रियों को एहराम बांधने का तरीका सिखाया गया। आपको बता दें कि हज यात्रियों को इस वर्ष हज गाइड, ठीके की डायरी और अन्य सामान निःशुल्क दिया जाएगा। इसके साथ ही लोगों को हज कमेटी द्वारा किए गए इंतजाम के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो वहीं बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल सुजानगढ़ पहुंचे, जहां शहर के बागड़ा सेवा सदन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की आम सभा में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी सहित गांधी परिवार ने सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचा है, इसलिए जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल सुजानगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने सिर्फ अपने बारे में ही हमेशा सोचा है।
मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूं परिसीमन जनगणना के बाद होता है। 2011 की जनगणना हुई उसके बाद परिसीमन हुआ। इनको वेट करना चाहिए था 2021 की जनगणना का, तब पता चलता जनसंख्या किस वार्ड में कितनी बढ़ी, किस में बराबर रही, तब परिसीमन करना चाहिए था। अब ये जो परिसीमन कर रहे हैं उसमें भी जो इन्होंने नियम निकाले वो नियम तो ठीक लगते हैं। वार्ड चौरस होना चाहिए, चौरस कहाँ कर रहे हैं, ये लंबा कर रहे हैं, कोई वार्ड कहीं ले रहे हैं, कोई वार्ड कहीं ले रहे हैं। तो वहीं यूपी में गौवंश की मौत का मुद्दा गरमाने लगा है, जिसे लेकर गौरक्षा विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल का अमला मिर्जापुर पहुंचे, जहां विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षक प्रमुख महेश तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई सुंदर योजना को नगरपालिका प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चारे में घोटाला कर रहे हैं, जिससे गौवंशों की मौत हो रही है। उसाहार नहीं है, वहां किसी प्रकार का हरा चारा नहीं है, मात्र नाम मात्र का भूसा है। गोदाम को हम लोगों ने देखा तो मात्र एक मीटिंग में इसको खिलाया जाए तो ये भूसा समाप्त हो सकता है। भाई एक टन वहां रोज लगता है ना, चार किलो भी अगर खाएंगे हाँ तो एक टन रोज होता है। क्या फैज अहमद को हटाने की बात? बिल्कुल, सबसे मेरी प्रथम मांग यही है कि फैज अहमद को वहां से हटाया जाए, क्योंकि वह सेवा न करके चारे का घोटाला कर रहा है और चारे के पैसे का बंदरबांट कर रहा है। 5,000-7,000 रुपया, 7,500 रुपया आ रहा है, वो 2,000 रुपया भी नहीं खर्च कर रहा है, सब पैसा गट कर रहा है। जैसलमेर के रामगढ़ में नहरों से पानी की चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं साइफन लगाकर तो कहीं नहरों में बंदे लगाकर बेतहाशा पानी की चोरी की जा रही है। लेकिन नहरी विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, तो मैं पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर हुई क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने नहरों से पानी चोरी पर अंकुश लगाने के साथ साथ जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए थे, जिस पर रामगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान नहर में पानी चोरी करने हेतु लगाए गए 7 साइफनों को पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल सिंचाई विभाग के अधिकारी को सूचित किया गया है, साथ ही पटवारी और जेएन से रिपोर्ट प्राप्त होते ही पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।